एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ डेक एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, ये रीडिंग है कि आपके सपनों के पीछे का क्या मतलब है, आपके जो उलझे हुए सपने हैं उनका सुलझा हुआ मतलब क्या है। सो आपको जस्ट एक चीज बताऊं तो ऐसा कहा जाता है ना कि बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज हम लोग जो भी देख रहे होते हैं, चाहे हम टीवी पे देख रहे हैं, चाहे हम अपने यू नो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो, हम कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, या हम कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर हम कोई ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं जिसमें यू नो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को चीट कर दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड। और आजकल की अगर हम देखें तो ये जो सोशल मीडिया है, जो न्यूज़ है, वो इन सारी निगेटिव बातों से भरी पड़ी हैं। और इसका सीधा सीधा यू नो जब आप उस इन्फॉर्मेशन को जब आप ले रहे होते तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। अब जब आपका जो उसका इफेक्ट है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पड़ता है तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। रिजल्ट ये होता है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, मेरी तो लाइफ ही अच्छी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है। आप उस नेगेटिविटी को बढ़ाते 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 चले जाते हो। ठीक है, अभी जो हमको ड्रीम्स दिखते हैं सोते वक्त होता क्या है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तो सो ही जाता है, और उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, आपको अच्छी अच्छी एफर्मेशंस देनी चाहिए, आपको थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए, सो दैट वो सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा सके। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जो ड्रीम्स दिखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो पूरे दिन की यू नो शेड्यूल रहा होता है, जो भी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं का वो रिजल्ट आपको दिख रहा होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हर सपने का मतलब हो। कुछ जो सपने होते हैं जस्ट यू नो बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, हमने कोई हॉरर फिल्म देख ली तो हमें सपनों में यू नो घोस्ट दिखेंगे, भूत दिखेंगे, हमने सपनों में कोई मर्डर देख लिया, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, हमें सपने में वो दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लेते हैं, और उसका मतलब सीधे सीधे ये है भाई क्लियरिंग कर लो, है ना। तो इस रीडिंग में यू नो हम लोग यही देखेंगे कि आपके सपनों के पीछे का क्या मतलब है, क्यों वो सपने आपको दिख रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसा है जो वो आपको यू नो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस रीडिंग में बात करेंगे। दो ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। पता है होता क्या है, रिसेंटली पता नहीं बहुत दिन से ऐसे हो रहा है कि लोग मेरे पास यू नो अपने सपने भेज रहे हैं कि मैम प्रिया मुझे ऐसे सपना दिखा है इसका क्या मतलब है, प्रिया मुझे सपने में ऐसे साइन दिखा है इसका क्या मतलब है। इंडिविजुअली यू नो सबको बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज यू नो आप लोग भी समझोगे कि इतने सारे हो आप लोग, एंड मैं सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रही हूँ, डील कर रही हूँ, सो जस्ट यू नो मेरे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर रीडिंग लेके आए, एंड पहली बार ही मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। आप सब लोग मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना, यू नो आपको ऐसी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, जो भी हो। ठीक है, तो दो ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये डेक है, बेसिकली आपको डेक को चूज करना है, या फिर आप क्रिस्टल से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ये ब्लैक चमलिन का क्रिस्टल। ठीक है, और ये कलरफुल सी यू नो डेक, इसका नेम बताऊं तो मैं आपको ये है चक्रा विजडम टैरो डेक। ठीक है, उसके बाद ही वाली सेकेंड डेक है, ऑप्शन सेकेंड के लिए यहाँ पे है ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, एंड साथ में है ये ड्रूड क्राफ्ट टैरो डेक। ठीक है, मैं देख के नेम बोल रही हूँ बिकॉज मुझे याद नहीं है। हाँ, सुबह से अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, है ना, और इसके बाद जो भी डेक या फिर जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प जो भी होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं भाई आपके सपनों के पीछे क्या मतलब है। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार ये इंट्रो भी सुन ले, वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है सपनों के पीछे का। ठीक है, सो इस क्रिस्टल को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ ऑप्शन फर्स्ट के लिए, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन फर्स्ट।
सिक्स ऑफ वांड्स। ओके प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। हॉर्सेस दिख रहे हैं कुछ लोगों को, कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं शायद अपने सपने में। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ पहले। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ कप्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत ही ठीक है। फूल। सो ऑप्शन फर्स्ट, आपके सपने के पीछे क्या मतलब है, सीक्रेट मैसेज क्या है? डेथ। आपके सपने आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट, कि बहुत जल्दी आप लोग अपनी जिंदगी में एक नई जर्नी पे जाने वाले हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई शुरुआत हो रही है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, डायमेंशन शिफ्ट होना, चीजें बदल जाना, आपकी जिंदगी बदल जाना, किसी पर्सन का आपकी लाइफ में आ जाना या फिर किसी का चला जाना। लेकिन बेसिकली जब भी अभी आप जिन एनर्जीज में हो, चाहे जैसी भी एनर्जीज हैं, वो बदलेंगी तो सही भाई। हो सकता है आपके पास काम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला हो, ऑप्शन फर्स्ट, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपके सपने यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई बहुत सारा काम आपके पास बढ़ने वाला है, बहुत सारी हो सकता है जिम्मेदारियां आपके पास बढ़ने वाली हैं, और आप काफी पॉजिटिव चीजें देख रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। हो सकता है कि आपको वो चीजें जो है वो किसी नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट हो रही हो, लेकिन से आपके जो सपने हैं यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कमर कस के तैयार हो जाओ। कहते हैं ना कि वो अपनी बस यू नो कमर कस लो तो तैयार हो जाओ, जैसे वर्ड्स बोले जाते हैं कि भाई खूब मेहनत करने को मिलने वाली है, बहुत ज्यादा ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे आपको खुद को प्रूव करना दिखाना पड़ेगा। बेसिकली आपके लिए एक ऐसा समय आने वाला है ऑप्शन फर्स्ट, जहाँ पे लोग आपको जानेंगे आपके टैलेंट के लिए। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे हों या फिर आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो, किसी क्रिएटिव फील्ड से आप रिलेट करते हो, हाँ, या फिर कुछ ना कुछ आपका काम ऐसा हो कि हर दिन आपको कुछ नया करके दिखाना है, आपको जाना जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे जैसे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है कि ये जो एकदम से सक्सेस आपको मिल रही है ना, आप इसको शुरू में नहीं संभाल पाओ, बिकॉज जैसे कि सोशल मीडिया पे हो रातों रात फॉलोअर्स बढ़ जाना, ठीक है, रातों रात एकदम से सक्सेस मिल जाना, नेम फेम मिल जाना, पहचान मिल जाना, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप एकदम से उस चीज को नहीं संभाल पाओ या फिर जैसे कहते हैं ना वो डाइजेस्ट कर पाओ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको खुद को स्ट्रांग बनाने का मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए। फिजिकली भी आपको खुद को स्ट्रांग बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली, इन तीनों लेवल पे आपको खुद को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, दी फूल की एनर्जी है, नो डाउट यहाँ पे आपकी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। आपको सपने भी कुछ ऐसे आ रहे होंगे कि आप किसी अननोन जगह पे हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी है। आपके सपने बस आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट कि एक नई जर्नी की शुरुआत है, एक नई जर्नी का आगाज है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला हो, कोई अननोन पर्सन आपकी जिंदगी में आ सकता है। देखो मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि लव रिलेशनशिप ही होगा, हो सकता है कि वो आपका कोई फ्रेंड हो, ठीक है, वो आपके कोई फ्रेंड बन जाए, आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाए या फिर आपके बिजनेस पार्टनर बन जाए, लेकिन कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और जिसके आने से आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं, और कम्प्लीटली आपकी लाइफ बदल रही है, आपकी लाइफ ही चेंज हो रही है, काम करने का तरीका, हो सकता है काम तो आपका सेम ही रहे लेकिन चीजें बहुत सारी बदल रही हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड ये आपको बाय इंट्यूशन पता होगा, ये इंट्यूशन आपको आती होगी, है ना, ऐसी वाली कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ये बार बार आपको मैसेज मिलता होगा। यहां से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कुछ और कार्ड्स आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, द मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
इसी घाट की कमी थी, है ना। मैं बदलाव बदलाव कह रही हूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है ऑप्शन पर। फाइव ऑफ वॉन्स देखो, ये आ गया ना। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं, सिक्स ऑफ वॉन्स, और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपकी रीडिंग जिससे इनिशिएट हुई है वो भी सिक्स ऑफ वॉन्स ही है। सिक्स ऑफ वॉन्स कैसे, यू नो, इस कार्ड में जैसे ये जो लड़की है इसने अपने दोनों हाथों को फैला के, जैसे यू नो कहते हैं ना, मैं जीत गई, मैं जीत गया, जैसे मेरा जो भी था वो पूरा हो गया, बेसिकली कुछ ऐसी यहाँ पे फीलिंग्स हैं इस कार्ड में। अभी बात करो यहाँ पे आपके सपनों के पीछे क्या मैसेज है, तो देखो भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे शायद खुश नहीं रहते, या फिर से सीक्रेट हेटर्स हैं, या फिर आपके पीछे कुछ र्यूमर्स, है ना, कुछ आपके बारे में अफवाह फैलाना। बेसिकली आई एम फीलिंग लाइक दिस। प्लीज अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे यू नो आप रिलेट नहीं करिएगा। यहाँ पे आप लोगों से जो कहा जा रहा है वो ये कि कुछ लोग आपसे छूट भी सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर भी जा सकते हैं। चीजों को आपको किसी को भी रिवील करने की जरूरत नहीं है। आपके प्लान्स क्या हैं, आप यू नो किस तरीके से, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपको किसी को भी नहीं बताना है। जैसे मैंने कहा कि देखो जब सक्सेस मिलती है डियर, जब आपको सफलता मिल रही है, आपको नेम फेम मिल रहा है, तो हर कोई उसे देख के खुश नहीं होता है ना। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आपको लोगों की नहीं सुननी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, बिकॉज आपकी डेस्टिनी आप खुद क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपकी जिंदगी आप खुद बना रहे हो। अब जो चीजें आपको मिलेंगी वो कहीं ना कहीं आपकी यू नो जैसे आपकी डेस्टिनी में लिखा था। फॉर एग्जाम्पल आप राइटर हो, आप एक राइटर हो, या फिर आप डांसर हो, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आप इस फील्ड में जाओगे, आप जा रहे हो, लेकिन कर्म आपका है ना, कर्म आपका है, मेहनत आपकी है ना। जैसे किसी की डेस्टिनी में लिखा है कि भाई तुम बड़े होके डॉक्टर बनोगे, लेकिन मेहनत तो उसकी होगी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि बैठे बैठाए वो डॉक्टर बन गए। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कर्म आपका है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की आप लोगों को सुननी है, दूसरे लोगों की आपको नहीं सुननी है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इन केस लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि तुम इस तरीके से काम कर लो, तुम इस तरीके से काम कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है भाई, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सारी चीजों से दूर रहो, बिकॉज यहाँ पे जस्ट आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है ना। तो यहाँ पे आपको कैसे बोलूं दूर रहना है आर्ग्यूमेंट से, अपने ऊपर फोकस करो, बिकॉज ये टाइम आपके लिए बहुत ही कीमती है। ऑप्शन फर्स्ट, ये टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, एंड बहुत सारी नई नई चीजें आपके साथ होने वाली हैं, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ने वाले हैं, तो बस तैयार हो जाओ। एक ही चीज कहूंगी, तैयार हो जाओ। यहां से देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, ये सब कप्स की एनर्जी है। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, इस डेक से और देख लेती हूँ फिर बताती हूँ। धर्मा, सही रास्ते पे चलना है बेसिकली, सही तंत्रा। ओके, एंड वाता, बहुत क्रिएटिव हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा एनहेंस करने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं इन कार्ड्स के यहाँ पे मीनिंग्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव, खुद से भी प्यार करो, और जो लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, जो लोग आपको समझ रहे हैं, उनके साथ रहो, रेदर देन ये मुझे नहीं समझ रहा है, ये मुझे नहीं प्यार कर रहा है। देखो करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, आप उसके टेस्ट को चेंज कर सकते हो,
नहीं कर सकते। वो उसका बिहेवियर है, वो उसका नेचर है, तो आपको जो पसंद है भाई आप वो ले लो। बेसिकली इस चीज को कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप लोगों को नहीं चेंज कर सकते। चेंज आप यू नो उसको ही कर सकते हो जो खुद चेंज होना चाहता है, समझ रहे हो? आप उसी को समझा सकते हो जो समझना चाहता है, आप उसको नहीं समझा सकते जो आपकी बात ही नहीं सुनना चाहता। जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो अपने आप को सर्वगुण संपन्न सर्वज्ञानी समझता है। तो यहाँ पे बस आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपना सर्कल खुद से प्यार करो और ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड रहो जो आपसे प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो, प्रेयर्स करो अच्छी अच्छी, ईश्वर के साथ कनेक्ट करो, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। और मुझे रिंग, यू नो ये रिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, आई डोंट नो, कुछ लोगों ने शायद यहाँ पे कोई जैम स्टोन पहना हुआ है अपने हाथ में, या कोई पहनने का सोच रहे हो, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि आप पहन सकते हो, ठीक है। उसके साथ में अगर कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स के लिए भी सोच रहे हैं, कन्फ्यूज हैं क्रिस्टल्स लें या फिर ना लें, है ना, तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव साइन है कि डेफिनेटली आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटम का कार्ड है, अभी ऑटम का यू नो ये जो वेदर होता है यहाँ पे क्या होता है, पेड़ के पुराने जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और वहां से नई कलियां निकलती हैं, तो वैसा ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलीज द ओल्ड। अभी आप एक अपने न्यू वर्जन में एंटर कर रहे हो, अपने यू नो एक नए वर्जन में, तो पुरानी चीजों को लेट गो करो। उसने ऐसे कह दिया, उसने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन सारी चीजों को जाने दो, जाने दो, जाने दो, है ना। और ये जो यू नो ईश्वर आपको इतनी सारी ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं, इनका स्वागत करो अपनी जिंदगी में। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे है धर्मा का कार्ड, ये कह रहा है सही रास्ते पे चलना है, लोग गलत हैं, लोग बुरा बोल रहे हैं, आपने अपने कान बंद कर लेने हैं। ये नहीं कि अब आप उनको उल्टा गलत बोलो, ठीक है, बिकॉज अभी मैंने जो इंट्रो में बोला था, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, यही चीजें आपने फॉलो करनी है, है ना। बिकॉज अगर आप लोग नेगेटिव लोगों से सराउंडेड रहोगे, अगर आप नेगेटिविटी को बार बार सुनते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में फिर इफेक्ट पड़ सकता है, फिर आप कहोगे कि रीडिंग में कहा था लेकिन हुआ नहीं, है ना। तो भाई हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है और हम उसे करेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तंत्रा का कार्ड है, और ये कार्ड सीरियसली मुझे ट्विन फ्लेम वाइब्स यहाँ पे दे रहा है फॉर सम पीपल। तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है या तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, या फिर से अगर इसका एक सिंपल सा मैसेज आपको बताऊं तो वो ये है कि अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन जो एनर्जीज होती हैं उनको बैलेंस कर लो, अपना ट्विन फ्लेम अपने ही अंदर ढूंढ लो, अपने ही विदिन ढूंढ लो, कंफ्यूज मत रहो, ठीक है ना। अपनी ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को एनहेंस करो, बैलेंस करो। अब कुछ लोग पूछेंगे कैसे करें, भाई मेडिटेशन से स्टार्ट करो, ठीक है। मेडिटेशन एक नींव है, एक नींव है, और वहीं से आगे की सारी जर्नीज यू नो शुरुआत शुरू मतलब आगे जाती है। वाता कार्ड यही कह रहा है कि क्रिएटिविटी यू नो आपके अंदर बहुत है, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा यू नो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वही सोच समझ कर सोचना है, क्रिएटिव रहना है, अपना जो फोकस है वो क्रिएटिविटी के ऊपर रखना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो आप लोग अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ठीक है। आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना, अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, वहां पे मैं वीकली जोडियक्स रीडिंग लेके आ रही हूँ, साथ में क्रिस्टल्स के लिए रिगार्डिंग यू नो मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज का यू नो स्टोन चूज किया है तो देख लेते हैं आपके सपनों के पीछे क्या मतलब है, क्या सीक्रेट मैसेज है। सो अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बारी वो भी सुन ले, वहां पे मैंने थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लेन किया है, तो एक बारी उसे भी सुन ले और फिर आके आप अपनी इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, अनशफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, क्वीन ऑफ कॉइंस, ठीक है।
फाइव ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कॉइन्स। आप यहाँ पे कार्ड देख रहे हो, क्वीन ऑफ कॉइन्स, बीच में है फाइव ऑफ कप्स और फिर है किंग ऑफ कॉइन्स। ये दोनों कार्ड खुद ही आए हैं। फर्स्ट इज फोर ऑफ सॉट्स। ठीक है, सेवन ऑफ सॉट्स। यहाँ पे क्लियरली क्लियरली ऑप्शन टू, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना कि आपके सपनों के पीछे का क्या मतलब है, तो वो मतलब ये है कि अपने पास्ट को पीछे छोड़ो, आपके लिए एक नई जिंदगी, ठीक है, खुशियां वेट कर रही हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट की ही एनर्जीज में स्टक हो। मुझे उसने धोखा दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप टूट गई, कभी आप किसी लव रिलेशनशिप में गए, आपको वहां पे शायद जो भी सिचुएशन रही हो, जो भी वजह रही हो, मैं उसको नहीं बताऊंगी, लेकिन उस रिलेशनशिप का एंड हो गया। अब आपने अपने मन में क्या कॉन्सेप्ट बना लिया है, सभी लोग ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत सारे लड़के एक से होते हैं, सारी लड़कियां एक से होती हैं, ऐसे कहते हुए सुना है ना, तो कहीं ना कहीं आपने भी अपना जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो लोगों के ऊपर से उठा लिया है, और आपको शायद से ऐसा लगने लगा है कि हम सिंगल भले, लेकिन सिंगल भले भी नहीं हो, आप अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हो, आप अंदर ही अंदर जल रहे हो, अंदर ही अंदर एक होता है ना इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाना। आपको क्लियरली क्लियरली आपके जो सपने हैं वो ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पास्ट की एनर्जीज को लेट गो करो, अपने पास्ट को लेट गो करो, अपने आप को हील करो, आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर किसी ने भी आपको धोखा दिया है आपकी जिंदगी में, आपके साथ गलत किया है, तो शायद से आप उन लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाए हो, आप उन लोगों को माफ नहीं कर पाए हो, आप उन चीजों को नहीं भूल पा रहे हो, आप उन चीजों से नहीं उभर पा रहे हो, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से आपकी लाइफ में फिलहाल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि ना तो आप इमोशनली सेटिस्फाई हो रहे हो, कि कोई आपको अच्छे लोग मिल रहे हो आपकी जिंदगी में, आप रिपीटेडली ऐसे ही लोगों से मिल रहे होंगे जिनकी इंटेंशंस आपको लेके या तो अच्छी नहीं होती होंगी, आपका मिसयूज, आपका फायदा उठाना, आपको ग्रेंटेड पे लेना, आपकी वैल्यू ना करना, ये पैटर्न चल रहा है। या फिर से मैं ऐसे भी कहूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो ये हो रहा है कि आप अपने कैरियर में सेटल नहीं हो पा रहे हो, आपको वहां पे बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स झेलने को मिल रहे हैं, काम आप ऐसे कहोगे मेरे काम ही नहीं बन पा रहे हैं। तो ऑप्शन टू क्लियर क्लियर यही मैसेज है, पास्ट को लेट गो करो। आई नो इट इज डिफिकल्ट, आई नो कि किसी को माफ करना समटाइम, अगर किसी ने हमारे लिए गलत किया है तो मुश्किल नहीं, कैसे बोल रही हूँ मैं, मुश्किल होता है, इजी नहीं है, है ना, लेकिन यहाँ पे आपका जो माइंड है, देखो मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके सपने, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कह रहा है कि प्लीज माफ कर दो। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड नहीं कहता है, सबकॉन्शियस माइंड तो एक भोला भाला सा बच्चा सा होता है कि आप उससे जो कह दोगे वो वही मान लेगा, है ना, वो उसका ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेशन आपके सपनों के थ्रू आ रहा है, ड्रीम्स के थ्रू आ रहा है, वो यही आ रहा है कि आपको खुद को हील करने की जरूरत है। ऑप्शन टू यहाँ पे, आई नो कुछ लोग अभी यहाँ पे कमेंट्स करेंगे, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगा आते हैं तभी बता रही हूँ, और मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं नहीं रीड करती, मैं सारे रीड करती हूँ, है ना। कुछ लोग कहेंगे मैं माफ नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगा, तो फिर आप ऐसे ही रहोगे, फिर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। देखो माफ करना उन लोगों के लिए माफ होना जरूरी नहीं है, आपके लिए माफ करना जरूरी है कि आप अपना रास्ता क्लियर कर सको। देखो कहीं से निकलोगे नहीं तो कहीं पहुंचोगे कैसे, है ना, आप घर बैठे डेस्टिनेशन का वेट कर रहे हो, वो नहीं होगा, कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। आपके सपने आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो मैसेजेस है ना, ये जो आपको सपनों के थ्रू ये जो मैसेज आ रहे हैं, ये मैं बात करूं तो आपकी एंजल्स, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको ये मैसेज आपके ड्रीम्स के थ्रू दे रहे हैं कि आप समझ पाए इस मैसेज को, आप बाहर निकलें अपनी शेडो सेल्फ से, अपनी ईगो से। माफ उनके लिए उतना होना जरूरी नहीं है, लेकिन माफ करना आपके लिए जरूरी है डियर, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ऑप्शन टू, आपने क्या खोया, ठीक है, क्या आपसे छूटा, क्या आपने खोया, उस पे फोकस करने के बजाय आपके पास क्या है जिससे आप अभी क्रिएट कर सकते हो, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, और जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद ये यूनियन है।
अभी देखो ये आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये कोई पास से भी हो सकते हैं। लेकिन सो यू नो पता है क्या होता है कि जब हम खुद को डिवाइन, जब सारी चीजें हम डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना, हम उनको छोड़ देते हैं उनके ऊपर, तो फिर जो हमारे लिए अच्छा होता है वो होता है। आप कहो कि पास से कोई पर्सन आ जाए, उसी से रीयूनियन हो जाए, उसी से रिकंसिलेशन हो जाए, लेकिन से अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं ना वो सबका भलाई चाहते हैं। लोग बेकार में कोसते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। भाई भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, हम सब उनके बच्चे हैं। अगर उनके हाथ में होता तो वो सबकी तकदीर एक सी लिख देते, लेकिन हमारे कर्मा होते हैं, कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं लोगों के साथ, है ना, उनकी वजह से हमें सफरिंग मिलती है। इसलिए कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, तो बस वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना ख्याल रखो। ऑप्शन टू, कुछ चीज़ों को यू नो आपको चेंज तो करना पड़ेगा ही, आप करना नहीं चाहते हो मुझे पता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। कुछ और भी कार्ड सीखती हूँ मैं ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। आपके सपने में शायद से जो आपके पास्ट में लोग थे वो आपको बहुत दिख रहे होंगे, या तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया, हाँ जिन्होंने आपको चीट किया, या जो भी कुछ चीजें रही, आपको वैसा सब कुछ ज्यादा दिख रहा होगा आपके सपने में। या फिर यहाँ पे कम्प्लीटली वो जो कॉर्ड है उसको कट करने की जरूरत है, और वो कॉर्ड कट कैसे होती है, माफ करके। Ace of Wands, very nice, okay. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कार्ड देख के। ऑप्शन टू आप लोगों के लिए, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, विच इज पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, किंग सॉरी क्वीन ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस, एंड यहाँ पे है टू ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे भी देखो फाइव ऑफ कप्स है, और ये देखो फिर से आपकी रीडिंग में कार्ड आ गया, ये डोमिनेंट कार्ड है भाई आपकी रीडिंग का। ये कार्ड बस यही कहता है कि जो खोया है उस पे मलाल, यू नो उस पे रोने के बजाय जो आपके पास स्टिल है उससे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, इस चीज पे फोकस करो। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, नई शुरुआत के लिए इंडिकेट कर रही है कि यू नो एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी आपके लिए तैयार है। लेकिन मैंने आपको शायद पहले ही सारे मैसेज दे दिए कि अगर कहीं से निकलोगे नहीं तो कहीं को पहुंचोगे कैसे, तो सबसे पहले निकलना जरूरी है ना, अपने पास्ट से, पास्ट की जो भी चीजें रही हैं या फिर कुछ ब्लॉकेजेस हैं वहां से निकलना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे बैठे हुए हो और फिर कह रहे हो मुझे जॉब नहीं मिल रही, भाई जाओ इंटरव्यू दो, लोगों से मिलो, पता करो, तभी तो जॉब मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी वाले आपके घर आएंगे कि भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही यहाँ पे मैसेज है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है आपके लिए। ये आप इसे कहीं लिख लेना इस लाइन को हाईलाइट करके, ठीक है। कुछ लाइन यहाँ पे ऐसी हैं जो आपके लिए फिक्स्ड हैं, ठीक है। ये बहुत ही सटीक रीडिंग रहे प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पेज ऑफ पेंटिकल्स बोल दिया था, बट इट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बोल रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं, स्टक हो आप अपनी लाइफ में, आगे बढ़ो, चाहे अपनी रफ्तार स्लो रखो लेकिन आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा होगा सब कुछ, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, और बस खुद को ये अफर्मेशन दो सब कुछ अच्छा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, ठीक है। इस तरीके से अफर्मेशन दो। उसके बाद है यहाँ पे टू ऑफ कप्स, रियूनियन, रिकंसिलिएशन। आई थिंक ये कार्ड का यही मैसेज है आप लोगों के लिए, किसी को मिस कर रहे हो, किसी प्यार को मिस कर रहे हो, अपने किसी लव वन को मिस कर रहे हो। एक तो मैसेज ये है कि वो आपके, देखो ओके सो मैं स्टॉप इसलिए हो गई बिकॉज मुझे एक ऐसा मैसेज भी मिला था कि
कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके कुछ लव वंस उन्हें छोड़ के चले गए हैं इस दुनिया से दूर, और वो जैसे बहुत मिस कर रहे हैं, है ना, किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज ये है कि वो एज ए सोल आपके आसपास ही हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे तो उनकी जो सोल है वो मुक्त नहीं हो पाएगी, उनकी वो जो सोल है वो आपके साथ स्टक रहेगी। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन किसी के लिए तो होगा ही। तो बेटर इज कि आप जब भी उन्हें याद करें तो अच्छे मोमेंट्स को याद करें और उसके साथ उन्हें ब्लेसिंग्स दें, उनकी सोल को ब्लेसिंग्स दें कि वो जहां भी हों वो खुश रहें, अच्छा रहें, ठीक है। इस तरीके से आपको देनी है। दूसरी चीज कि यहाँ पे रिकंसिलेशन रियूनियन की बात कर रहे हो तो वो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ आप लोगों से कि पास्ट की चीजों से बाहर निकलो, ठीक है। अभी कुछ और मैसेज भी देख लेते हैं। ऑप्शन टू, स्काई फादर, ट्रस्ट इन दी अननोन, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। मैंने कहा था ना, अभी मैसेज दिया था। जिस ट्रिक से भी देख लेती हूँ फिर बताती हूँ। एकदम से इतनी हैवी एनर्जीज आई है ना आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। अहिंसा, पन्मुकाज, रजस, ठीक है। बहुत गुस्सा है भाई, बहुत गुस्सा है आप लोगों के अंदर। एंड आपको ऐसा है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया मैं उनको सबक सिखा के रहूंगा या रहूंगी, या फिर से आप ऐसे प्रे करते हो कि इनको भी ऐसे ही दर्द हो तब ये लोग समझेंगे कि मुझे कितना पेन हुआ है ना। ऐसी चीजें चल रही हैं आपके मन में। ऑप्शन टू, यू नो, आपको अगर मैं बोलूं, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे मत सोचो। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, यहाँ पे ये कार्ड सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये कह रहा है कि खुद को लाइट एनर्जीज में डालो, बदला लेने में या फिर सामने वाले के लिए बुरा प्रे करने में। बुरा आपका ही हो रहा है, बुरा सामने वाले का हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप अपना बुरा कर रहे हो, ठीक है। लेट गो कर दो चीजों को, जाने दो चीजों को, बिकॉज ये चीजें जो आपने होल्ड करके रखी हुई हैं ये आपको ही तकलीफ दे रही हैं, ये आपको ही प्रॉब्लम दे रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। खुद को डेली एफर्मेशन दो, आई एम अ पीसफुल पर्सन, ठीक है, मैं शांत रहता हूँ। आपको खुद को शांत रखने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। आपके मन में जैसे तूफान सा मचा पड़ा है ना, तूफान सा चल रहा है, और यही टास्क है कि भाई अपने मन को शांत करो आप। ऑप्शन टू, यही मैसेज है। आई नो इट इज डिफिकल्ट बट यही आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे स्काई फादर का कार्ड है, ट्रस्ट इन दी अननोन। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके सामने आने वाली हैं, कुछ जैसा आपने सोचा नहीं, हो सकता है कुछ वैसा आपके सामने आए। अभी तक शायद आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, यू नो, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जस्ट मैसेज दे रहे हैं कि अभी वक्त है, तुम अपनी लाइफ को बदल सकते हो, तुम ठीक कर सकते हो। अगर इसी तरीके से तुम खुद को जलाते रहे, तुमने खुद को परेशान किया, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिर वो तुमने ही झेलने पड़ेंगे। और फिर तुम मत कहना कि मुझे बताया नहीं, और फिर तुम मत कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये एक वार्निंग है। ऑप्शन टू, आई डोंट नो कौन, यू नो, इसको मानेंगे आप लोग या फिर नहीं मानेंगे, लेकिन से अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये मैसेज आपके लिए है, और प्लीज इसे मानिएगा। और मैं प्रे करूंगी आप सभी के लिए दिल से कि आप सब लोगों को भगवान शक्ति दे, आप सब लोगों को भगवान हिम्मत दे, है ना, और आप सब लोग खुश रहें। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, तो भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मैंने अभी एक मैसेज दिया था, मैं उस मैसेज को दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है।
लेकिन वही मैसेज यहाँ पे अगेन मुझे मिल रहा है कि अगर आप किसी लव वन को याद कर रहे हो, उनकी सोल को फ्री करो, उनको फ्री करो। अब ये कोई लव वन हो सकते हैं, आपका कोई पेट हो सकता है, कोई भी। अगर आप किसी को याद कर रहे हो बेइंतहा बहुत ज़्यादा, तो खुद को रोकने की ज़रूरत है, बिकॉज नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ऑप्शन टू तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। प्लीज़ आपका फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज ये रीडिंग बहुत ही मेरे लिए भी हैप्पी थी, है ना। सो मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन टू, आपका फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हुई रीडिंग आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वीकली जो एक्स्ट्रा रीडिंग है वो लेके आ रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ। सो वहाँ भी मुझसे कनेक्ट कर लें, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।